एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू द चैनल एंड इन अनदर व्लॉग। तो आज आ रही हूँ मैं किसी फंक्शन में अपने पेरेंट्स के साथ। पापा के फ्रेंड की रिटायरमेंट है, तो रिटायरमेंट में जा रहे हैं, तो मिलते हैं आपको तैयार होने के बाद। और बात की जाए यहाँ के वेदर की, मौसम की, बहुत अच्छा है। पंजाब से तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, गर्मी भी नहीं है ज़्यादा। या मेरा भाई पीछे नहा के आ चुका है, ना आया है पार्टी कर गया है। तो यहाँ पे मतलब कि फैन भी बहुत कम। चुप हो जा, बाहर आ गई हूँ मैं, बहुत शोर कराया अंदर ये। तो यहाँ वेदर बहुत ज़्यादा अच्छा है वैसे पंजाब से, तो बहुत ही शांत। कुछ नहीं दिखाई दे रहा अंधेरा। कोको कितना अच्छा से नीचे है। आपको मैं यहाँ से मेरी माँ तो मैं हो चुकी हूँ रेडी जाने के लिए। अभी पापा तो घर आए नहीं हैं, वो रेडी होंगे, मम्मा और भाई वगैरह रेडी हो रहे हैं। बस मिलते हैं अब आपको शायद गाड़ी में, दिखाते हैं क्या होता है आगे। फिट चेक। तो पापा ने रेडी कर दिया है, रेडी होने के बोल दिया था, खुद देखो अभी गाड़ी धो रहे हैं। अब हमें लेट कर दिया है, जल्दी घर आना भी है, क्या बोल सकते हैं। चलो चलते हैं, गर्म गर्म हो गया बहुत ज़्यादा गाड़ी। कहाँ जा रहा है? खुल। अच्छा तू इधर आना। तोड़ दे तो दे जल्दी। कई जगह का आप हिमाचल से हो या उत्तराखंड से तो आपको पता होगा ये क्या चीज़ है। एक सेकंड दिखाती हूँ। काफल। बहुत दिनों से मन करा था क्योंकि यूनिवर्सिटी में तो नहीं मिलते, यहाँ आएंगे। बर्फ की सिल्ली आ रही है, पापा ला रहे हैं, अंकल ने मंगवाई थी कि ले आना। ये मेरी माँ और मेरा भाई। नहीं है तेरा घर फट जा। बहुत जाम है, जाम। यहाँ के तो मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, बहुत ही ज़्यादा बहुत गर्मी हो रही है। और इधर अभी कोई नहीं है क्योंकि मेरे अंकल आए नहीं है, कोई भी नहीं है यहाँ पे। दीदी आ जा। बच्चियाँ जो बिल्कुल पसंद नहीं है फंक्शन में। ऐसे ही हमारी हिमाचली धाम होती है, तो यहाँ लोग धाम खा रहे थे। We are going back to the home, guys. रात हो चुकी है, रात। जल्दी लगा गाने, क्या कर रहा है तू? हाय गाइज, गुड आफ्टरनून, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब खुश हो गए अपने घरों में एंड जहाँ भी आप हमें देख रहे हो। आज है 2nd of June एंड अभी दिन के 1 बज रहे हैं, एंड मैं बस अभी यहाँ टाइम पास कर रही थी,
अपने रूम की सेटिंग कर चुकी हूँ, ये कर चुकी हूँ, वो कर चुकी हूँ, तो अब कुछ करने को है नहीं। सो अपनी बहन के साथ थोड़ा व्लॉग बना रही थी, सोचा कुछ बनाऊँ पर समझ नहीं आ रहा बनाऊँ क्या, क्या दिखाऊँ मैं यहाँ पे, करूँ क्या, कुछ समझ नहीं आ रहा। यूनिवर्सिटी में तो ऐसा होता था कुछ ना कुछ चला रहता था, बच्चे आ जाते थे, ये हो जाता वो आता, यहाँ पे आके तो ऐसा लग रहा है क्या। अभी अपनी बहन को मना रही हूँ कि मेरे व्लॉग में आ जाए, मेरे को थोड़ा कंटेंट दे 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 दे। अभी बोल रहे जब मैं अच्छी लगूंगी तो मैं आ जाऊँगी, अभी मैं अच्छी नहीं लग रही इसलिए उसको लेनी थी। हम शाम के वक्त घूमने जाएंगे, अपने आसपास का एरिया दिखाएंगे आपको कैसा है, मैं कहाँ रहती हूँ, एंड आपको अपने ओरे परे के सराउंडिंग्स दिखाएंगे, टूर करवाएंगे ओरे परे का कि कैसा है हमारे यहाँ पे। आज का मौसम भी बहुत अच्छा है, मैं मौसम इतना ज़्यादा इसलिए बोलती हूँ ना क्योंकि चंडीगढ़ में मैं जब से रह रही हूँ ना, मतलब इस साल ना कुछ एक्स्ट्रा ही गर्मी है, कुछ बहुत ही ज़्यादा। तो वहाँ पे जब मैं भी एग्ज़ाम देने भी जाती थी तो ऐसा होता था कि कैसे, बट यहाँ का मौसम इतना अच्छा ना तो मैं अभी थोड़ी रिलीफ में हूँ कि ठीक है थोड़ा टाइम अच्छा है। उसके बाद अभी वहाँ पे वापस मैं जब जुलाई अगस्त में जाऊँगी तो फिर से इतनी गर्मियाँ हो जाएंगी, मेरे को समझ नहीं आ रहा, मेरे को अभी से टेंशन पड़ेगी मैं उस टाइम वहाँ पे दिन कैसे काटूँगी। फिर चलो जो भी है फिलहाल प्रेजेंट को इन्जॉय करते हैं, सो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। घास बड़ी हो गई है, घास की कटिंग की जा रही है, बट इस मशीन से ना सिर दर्द हो गई है इतनी देर से, दिमाग खराब हो गया है। गुड आफ्टरनून गाइस, आफ्टरनून नहीं शाम हो गई है, गुड इवनिंग गाइस, शाम के 6 बज चुके हैं एंड अभी हम बस जाने वाले थे वॉक के लिए। उससे पहले मैंने सोचा अपने घर वालों से मिला लेती आप क्यों भाग रहे हो, भाग गए। मेरे मम्मा इज़ वेरी वेरी शाय, झूठ में असली में नहीं था, तो बढ़िया मज़े से मिलता है। हेलो, बढ़िया मज़े, कैसे हो आप? बढ़िया से मिलिए, हम बहुत खुश हैं। यो गाइस, ये मेरी सो कॉल्ड सिस्टर, सो कॉल्ड नहीं असली की है वैसे तो। बोल कुछ अब ऐसे तो बक बक। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, माय सिस्टर्स चैनल। ओह, इसको बहुत शौक है यूट्यूब बनाने का, पर इसकी दिल्ली इच्छा मैंने ले ली है इससे पहले बना के। मेरे को जो काम करने होते हैं मैं से पहले ही करती हूं। दर सब्जी बन रही है, बढ़िया, मैंने अभी सब्जी बनाई है, हम सब्जी बना रहे हैं स्क्रैच की। ये देखिए ये वो प्राणी है, हाँ ये वो प्राणी है। हेलो मैम, आपका बैक साइड किसी ने नहीं देख रहा, शक्ल दिखा दो अपनी। ओ हेलो सेलिब्रिटी, शक्ल दिखा दो अपनी, क्यों भाव खा रहे हो इतने, रहने दो, ज्यादा फुटेज खा रहे हैं हम, ज्यादा फुटेज खाने वालों की वीडियो नहीं बनाएंगे। खा रहे हो फुटेज, हम चल रहे हैं वॉक करने, अब चलते हैं किधर जाए, ऐसे तो हम जाते नहीं थे बट आज देख ही आते हैं। आजकल हम रोज जाएंगे गाइस क्योंकि ये मेरी बहन कभी कभी आती है और यहाँ पर सब कुछ भूल जाती है, जगह कैसी है और कैसी नहीं, तो इसको एडवेंचर देने चाहिए बीच बीच में ताकि इसको अपना घर और अपनी जगह याद रहे, एंड आप लोग इस फिर ये आपको भी घुमा सकती है, इसको फिर हम वो बना देंगे जो क्या बोलते हैं एडवेंचर कराता है। ओहो एडवेंचर कराता है, तू करवा दी, नीचे जाए या ऊपर जाए, गाइस जैसे नीचे जाने के लिए कुछ है नहीं, यहाँ से बाजार ही पहुँचेंगे, ऊपर है बट कुत्तों को देख के इसको डर लगता है। गाइस देखो हम यहाँ से होके आइए, हमारा गांव है सुंदर सा, इसको देखो अलग व्लॉग बनाने का। हम जा रहे हैं वैसे तो वाटरफॉल की तरफ, बाकी देखते हैं वो देखो वाइड। हम आज आप लोगों को एडवेंचर कराने के लिए एक नई इसी जगह जा रहे हैं Yes. जो कि बहुत ब्यूटीफुल होने वाली है, बस आप लोगों के लिए हम इतने रिस्क में चप्पल पहन के जा रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्यों इन्होंने थोड़ी ना बोला तो मुझे चप्पल पहन के जाने के लिए, यार ये बोलना पड़ता है कुछ भी होती क्यों बोलना, बिजनेस स्ट्रेटजी होती है ये, केड़ी स्ट्रेटजी मुझे पता है। ओहो नेचुरल ब्यूटी के बीच में हम जा रहे हैं घूमने, तेरे को तो अभी बोला जब मैं बोल रही हूँ मैंने तेरे को आगे इसलिए भेजा क्योंकि मेरे को ब्लॉक करना था। नेचुरल ब्यूटी के बीच में हम एंड आपको दिखाते हैं एप्पल के पेड़, इस पे लगे हैं छोटे छोटे, यहाँ नहीं दिख रहे, घर में भी वही पेड़ है एप्पल के ज्यादातर। ये हमारा गांव का मंदिर, सुंदर सा बहुत, ये हमारे गांव का छोटा मंदिर, पहले हम ऊपर वाली साइड गए थे फिर वहां हमें आगे जाने का मन नहीं किया बिकॉज थोड़ी देर में अंधेर हो जाएगा एंड फिर वहाँ पे क्या ही जाना, फिर हम इस साइड आए हैं रोड वाली साइड, अब यहाँ जा रहे हैं, यहाँ भी कहाँ जाएंगे, कहाँ जा रहे हैं हम, सो हम जा रहे हैं वापस यहाँ से घूम के वापस अपने घर को, पीछे से घूम के वापस घर ही जा रहे हैं। अगर आपको इसके बाद समझ जाएगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे को भी नहीं आई है। हाँ
हम अभी अपने घर से आए, अब हम उल्टे रास्ते से वापस अपने घर ही जा रहे हैं, लेकिन दूसरे टाइप के रास्ते से। अब मेरे बाल ठीक है? हाँ जी, आपके बाल अच्छे हैं। तो गाइस, आपको मैं एक बात बताती हूँ। चलो, तो बात ऐसी है, सोचने दो पहले। तो क्या है यार, जब तुझे बात नहीं पता फिर क्या बात ऐसी है? छोड़ो इसको, सच क्या बोलने लगी। इसको देखो, ये किस चीज का पेड़ है? तो गाइस, ये है नाशपति। नाशपति नहीं है, नाशपति ये पियर नहीं है, नाशपति है। नाशपति ऐसी होती है छोटे में। चलते हैं। तो क्या लग रहा है, नाशपति जैसी है ये? नाशपति है, दिस इज नाशपति, बट दैट इज नॉट नाशपति। अब इधर से हम ऊपर की तरफ जाएंगे। वो इधर रास्ता था, उधर से घूम के आए, इधर से इधर से, एंड अब हम यहाँ से जाएंगे अपने घर को। घर वो है, वो ये एक और मंदिर। हम उधर से होके इधर से आए, एंड अब जा रहे हैं वापस घर। थक गई मैं, इतनी तेज से चल के आए। रात का व्यू घर का, इतनी लाइटें लगा रखी है, पूरा जगमगा उठा है, पर लगता तो सुंदर है। एंड इधर टैक्सीज पे टैक्सीज आई जा रही है, लोग आए जा रहे हैं, रूम की बुकिंग्स है, तब से आए जा रहे हैं, पता नहीं क्या ही चल रहा है। ये प्रकाश, गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे आप सभी? कल रात के बाद आप सीधा ये देख रहे होंगे, कल रात को वो शूट करने के बाद मैं सोई तो मैं बहुत लेट हूँ, बट उसके बाद कुछ शूट नहीं करा। फिर अभी सुबह उठे, फ्रेश एंड ऑल हुए, सुबह तब बैठी हूँ। बट उससे पहले मैं आपको एक ऑनलाइन शॉपिंग साइट के बारे में बताना चाहती हूँ, जिसका नाम है शेल्डन शॉप। आपको उसकी इमेजेस यहाँ दिख भी रही होंगी आई गेस। दैट साइट इज़ रियली गुड। अगर आपको कोई भी टी शर्ट्स रिलेटेड टू एनिमे प्रिंटेड और कोई भी एस्थेटिक सी टी शर्ट्स लेनी होंगी, सो डू चेक आउट दिस साइट। बहुत अच्छी है, बहुत रिजनेबल प्राइस है, एंड दे आर लाइक डूइंग वेरी गुड। सो अगर आपको कुछ भी ऐसे परचेज करना हो, सो डू चेक आउट दिस साइट। सो उसके अलावा इस व्लॉग को एंड करने का टाइम आ चुका है। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो, एंड अगर अच्छा लगा हो सो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। मिलते हैं आपको नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय गाइस, बी हैप्पी। रास्ते से वापस अपने घर ही जा रहे हैं, लेकिन दूसरे टाइप के रास्ते से। दूसरे टाइप के रास्ते से, देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ रोड। जो मतलब रेयरली यूज्ड रास्ता है उस रास्ते। ओके, जो रेयरली यूज्ड रास्ता है उस रास्ते से जा रहे हैं। कैसा लग रहा है आपको रेयरली यूज्ड रास्ते से जाने में? बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैं अभी बहुत कम जाती हूँ ना, तो रेयर इसलिए मैंने इसको कहा। एंड मेरे घर वाले भी मतलब कभी नहीं जाते, तो मैं ही ले जाती हूँ जब ले जाती हूँ। बस इतनी बात थी गाइज, हो गया।